हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज करिश्मा। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली से रिलेटेड आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो गाइस, इस साल मैंने सोच लिया है कि मैं खुद से DIY बना करके अपने घर को डेकोरेट करूंगी, क्योंकि मार्केट में तो भाव का तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इससे अच्छा मैं क्यों ना कबाड़ से जुगाड़ करके अच्छी अच्छी तरह तरह की वॉल हैंगिंग और बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ बना सकूँ। तो चलिए गाइस, आज के मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कमल फूल का मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है शुभ लाभ का। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, प्यारा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड ले रही हूँ और इस कार्डबोर्ड में ना मैं कमल फूल का शेप को ड्रॉ कर रही हूँ और फिर इसे मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। फिर मैं इसमें ना कलर लगाऊंगी और ये मैं पिंक कलर से मैं इसे पूरा अच्छे तरीके से कलर कर दे रही हूँ। ये सूख जाने के बाद मैं इसमें ना फेविकॉल की हेल्प से शुभ लिखूंगी और फिर इसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊंगी और जितना बचा हुआ ग्लिटर होगा उसे मैं पेपर में झाड़ के निकाल लूंगी। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं कुछ पुरानी चूड़ियाँ ले रही हूँ और इसे ऊन से कवर कर लूँगी। फिर कुछ गोटा पट्टी वाला लेस को लूँगी और साइड साइड में मैं इसे राउंड राउंड करते जाऊँगी और बीच में मैं ग्लू की हेल्प से लगा दूँगी। फिर मैं लटकन बनाने के लिए कुछ मोतियाँ और बेल्स ले रही हूँ और इसे ना मैं चूड़ी में इस तरीके से घुसा करके और इसमें अटैच कर दूँगी और मास्किंग टेप की हेल्प से इसे चिपका दूँगी। फिर मैं साइड साइड में ना मिरर लगा दे रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो गाइस, ये वीडियो बनके कंप्लीट हो गया, अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे बाद में, बाय बाय।